ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। दुर्गति नाशिनी दुर्गा, जय जय काल विनाशिनी काली, जय जय उमा रमा ब्रह्माणी, जय जय सीता राधा रुक्मणी, जय जय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। नव संवत्सर कैसे मनाना चाहिए? हिंदू सनातन धर्म का नव वर्ष जो है चैत्र की नवरात्रि से प्रारंभ होता है। तो हिंदू मेथडोलॉजी के हिसाब से जो नववर्ष बोलते हैं, उस दिन शक्ति साधना का समय होता है। तो चैत्र की नवरात्रि में मनुष्य को क्या क्या करना चाहिए, या चैत्र के पहले दिन क्या क्या करना चाहिए? हिंदू धर्म के अनुसार जो हमारे पुरखे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, ऋषि मुनि हैं, इष्ट देवता, कुल देवता, सभी लोग चैत्र की नवरात्रि के पहले दिन को नववर्ष मानते हैं, क्योंकि हम सब अदृश्य शक्तियों से बंधित हैं। तो हमें उनकी खुशी में अपनी खुशी मनाना चाहिए, इसलिए चैत्र की नवरात्रि का जो पहला दिन होता है उसे नव संवत्सर वर्ष बोला जाता है। तो चैत्र का नूतन वर्ष का प्रारंभ जो है आनंद उल्लासमय हो, इसलिए प्रकृति माता भी सुंदर भूमिका बनाती है। चैत्र का महीना ही ऐसा महीना है जिसमें वृक्ष, बेल, लताएं, इन सबके ऊपर फूल आते हैं, पत्ते आ जाते हैं। और भारतीय नववर्ष जो है वह बेसिकली चैत्र की शुक्ल प्रतिपदा तिथि को माना जाता है। अंग्रेजी नूतन वर्ष जो मनाते हैं 1 जनवरी को, तो उसमें तो शराब, कबाब, व्यसन, दुराचार करते हैं। लेकिन भारतीय नूतन वर्ष जब हम मनाते हैं तो उसमें संयम होता है, हर्षोल्लास होता है, देश में सुख, सौहार्द, स्वास्थ्य, शांति, ये सब चीज होती है। इसीलिए चैत्र की नवरात्रि के पहले दिन यह मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति की दिव्यता घर घर पहुंचाना चाहिए, इसलिए हम भी आपको यह बता रहे हैं कि भारतीय संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथाएं, इसमें चैत्र की नवरात्रि के पहले दिन हम सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से दोनों तरीके से नववर्ष मनाते हैं। अब बहुत से लोग नवरात्रि मनाते हैं, तो इस दिन कहा जाता है कि जो मनुष्य चैत्र की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन, जिसको गुड़ी पड़वा भी बोला जाता है, गुड़ी पड़वा बोलते हैं, नीम की पत्ती और काली मिर्च और मिश्री खाता है, पूरे साल भर वो निरोगी रहता है। तो ये अवश्य खाना चाहिए, सूर्य उदय के पहले उठ जाना चाहिए। सूर्य उदय के पहले उठ करके स्नान करना चाहिए, क्योंकि हिंदू मेथडोलॉजी में सूर्य को पिता कहा गया है। तो पिताजी के आए उसके पहले, सूर्य उदय के पहले उठ करके स्नान ध्यान कर लेना चाहिए, संभव हो तो चर्म रोगों से बचने के लिए सवेरे सवेरे तिल का तेल या नीम का तेल लगा करके स्नान करना चाहिए। हमारे यहां नववर्ष पे भारतीय परिधान कुर्ता पजामा पहनने का रिवाज है, धोती कुर्ता पहनने का रिवाज है, और स्त्रियों को साड़ी पहनने का रिवाज है।
मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए, भारतीय नववर्ष का स्वागत करना चाहिए। सूर्य उदय के समय भगवान सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दे करके नववर्ष का प्रारंभ करना चाहिए। सुबह सूर्योदय के समय शंख ध्वनि अवश्य करना चाहिए ताकि जितने भी जीवाणु कीटाणु हैं वह सब दूर चले जाएं, नकारात्मक ऊर्जा स्थान छोड़ दे। और नववर्ष के दिन छोटे बच्चों को बड़े बुजुर्गों के पैर छूना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। जो बराबरी वाले व्यक्ति हैं उनको हाथ जोड़ करके नमस्कार करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस समय पर ऋतु परिवर्तन होता है, तो ऋतु जब चेंज होती है तो कुछ बीमारियां लगती है, फोड़े फुंसी की बीमारी होती है, चेचक की बीमारी होती है, चर्म रोग होने की संभावना ज्यादा होती है, लकवा लगने की संभावना ज्यादा होती है। तो इस नव वर्ष के बाद नव वर्ष के दिन कहा जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग ये कह के गए हैं कि नीम काली मिर्च मिश्री या नमक इनकी चटनी बना करके खाना चाहिए और खिलाना भी चाहिए, नहीं तो कोरे भी चबा सकते हो आप। मंदिरों में जाना चाहिए, आश्रमों में जाना चाहिए, गुरु महाराज से आशीर्वाद लेना चाहिए। अपने घर पर, मंदिर पर, दुकान पर, व्यवसाय पर भगवा ध्वज लहराना चाहिए। इससे केतु अच्छा फल देता है, मंदिर जाने से गुरु अच्छा फल देगा, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करने से पितृ दोष समाप्त होता है, और नीम की पत्ती खाने से बुद्ध महाराज प्रसन्न होते हैं। तो पूरा ये जो है नौ संवत्सर वर्ष में ये सब करने से नवग्रह की शांति भी होती है, इसलिए कर्म करवाए जाते हैं। आम के पत्तों की, अशोक के पत्तों की, या पीपल के या नीम के पत्तों की तोरण बनाना चाहिए और नव वर्ष का स्वागत करना चाहिए। मतलब ऐसा कहा गया है कि आम के पत्ते की, अशोक के पत्ते की, नीम के पत्ते की या पीपल के पत्ते की बंदरवार बना करके लगाने से घर के आसपास नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती, जिससे आप रोग से बचे रहते हो, और उस बंदरवार के नीचे गुजरने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको वो जो पत्ते जब सूखते हैं उसका आभा मंडल में जब वो आते हैं तो उनकी रोग दूर होते हैं, इसलिए बंदरवार लगाई जाती है। पुराने जमाने में राजा अपनी पूरी प्रजा के साथ में नगर का भ्रमण करते थे तो पूरी नगर में जगह जगह ऐसी बंदरवाल लगाई जाती थी कि पूरे नगर के व्यक्ति निरोगी रहे। उसके पीछे का रहस्य ये था। और नव वर्ष में जो चैत महीने की प्रथम दिन आता है, सामूहिक रूप से भजन कीर्तन करना चाहिए, प्रभात फेरी का आयोजन करना चाहिए। भारतीय संस्कृति तथा गुरु ज्ञान से, महापुरुषों के ज्ञान से अपना जीवन उन्नत करना चाहिए, ने उनके पास जाकर के कुछ देर बैठना चाहिए, उनसे धर्म की शिक्षा लेना चाहिए। जो नहीं मना रहा उसको भी आप संदेश दे सकते हो कि भैया नववर्ष मना लो। तो सामूहिक रूप से सभा करना चाहिए। हिंदू धर्म में जो भूल चुके हैं, जो नव वर्ष नहीं मनाते हैं, उन्हें मनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऐसे चैत मास की शुक्ल पक्ष की प्रथम दिन ब्रह्म पुराण के अनुसार लिखा है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण चैत्र मास के प्रथम दिन किया था। इस दिन से सतयुग का आरंभ हुआ था। यहीं से हिंदू संस्कृति के अनुसार काल गणना का आरंभ भी हुआ था। इसी कारण
इस दिन जो है वर्ष का आरंभ माना जाता है। इस चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रथम दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एवं धर्मराज युधिष्ठिर का राज तिलक का दिन भी यही था। मत्स्य अवतार, वरुण अवतार, ये सब इसी दिन ही हुए हैं। नवरात्रि का प्रारंभ का जो उत्सव है वह भी आज से इसी दिन से प्रारंभ होता है। यश कीर्ति विजय सुख समृद्धि हेतु घर के ऊपर ध्वजा लगाना चाहिए, जिससे केतु बहुत प्रसन्न होता है, गुरु बहुत प्रसन्न होता है। तो जिस मनुष्य का गुरु खराब है, केतु खराब है, उन्हें तो ये चैत्र की शुक्ल पक्ष की नवरात्रि के पहले दिन ज्यादा से ज्यादा हर मंदिर पर झंडे लगाना चाहिए, उसका केतु ग्रह अच्छा हो जाएगा। अपने घर पर तो लगाना ही लगाना चाहिए। झंडा लगाना अपने आप में घर में सुख समृद्धि शांति और पराक्रम का प्रतीक है। झंडा लेकर के आगे चलना पड़ा, जिस तरह झंडा या पताका फेरता रहता है उसी वेग से नकारात्मक ऊर्जा दूर चली जाती है, इसलिए झंडा लगाया जाता है। हर हिंदू को अपने घर के ऊपर झंडा लगाना चाहिए, उसके अंदर भी स्वास्तिक चिन्ह बना हुआ हो या शंख बना हो, त्रिशूल बना हो, ऐसा झंडा लगाना चाहिए जिससे यश मिलता है, कीर्ति मिलती है, विजय मिलती है और आपका पराक्रम बढ़ता है, इसलिए झंडा लगाना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे साहब झंडा कहां पे लगाएं, तो सभी हिंदू घर में वायव्य कोण, वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम दिशा में झंडा जरूर लगाना चाहिए, उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उत्तर पश्चिम कोण यानी वायव्य कोण में राहु का निवास माना गया है। ध्वजा या झंडा लगाने से घर में रहने वाले सदस्यों को रोग शोक दोष इन सब का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। अतः सभी हिंदू घरों में पीले कलर का, सिंदूरी कलर का, लाल कलर का, केसरिया कलर का, ओम लिखा हुआ, त्रिशूल बना हुआ, स्वास्तिक चिन्ह बना हुआ झंडा अवश्य लगाना चाहिए। और यदि जिसका मस्तिष्क खराब हो, आधा पागल हो गया हो या पागल होने जा रहा हो, ऐसे मनुष्य को के बारे में कहा गया है कि यदि कोई मनुष्य रोजाना मंदिर के फहराते हुए झंडे को देखे, लहराते हुए झंडे को देखे मंदिर के ऊपर के, तो उसके रोग का शमन हो सकता है। तो नव वर्ष को मनाने के लिए मिठाइयां बांटना चाहिए, सभी का आशीर्वाद देना चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से दूर रहना चाहिए। नव वर्ष के पहले दिन गृह प्रवेश नहीं होता है, विवाह नहीं होता है, मुंडन का कार्यक्रम भी नहीं होता है, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। यह नववर्ष खुशियां मनाने के लिए होता है। तो दुकान का उद्घाटन, मकान का उद्घाटन नहीं करते हैं। नवरात्रि चालू हो जाती है, इसमें सिर्फ शक्ति साधना की जाती है, ईश्वर को याद किया जाता है, स्त्री पुरुष को सहवास संभोग भी नहीं करना चाहिए। तो नव वर्ष के अंदर आपको
प्रसाद अवश्य बांटना चाहिए, छोटे बच्चों के साथ खेलना कूदना चाहिए, ईश्वर आराधना करना अत्यंत आवश्यक है। तो उस दिन ईश्वर आराधना करें और सब अपने अपने कुल देवी देवता और इष्ट देवता की पूजन अर्चन अवश्य करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम दुर्गा दुर्गा दिशमनी दुर्गा पद्धि निवारणी दुर्गम चयनी दुर्ग साधनी दुर्ग नाशिनी दुर्ग तो धानी दुर्ग नियंत्रित दुर्ग मापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गा देते लोक दवा नला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमा सुरबिंद दुर्मा प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाशिता दुर्गम ज्ञान सस्ताना दुर्ग मध्यान भाषिनी दुर्ग मोहा दुर्गमगा दुर्गमा स्वरूपिनी दुर्गमा सुसंति दुर्मायुधानी दुर्मांगी दुर्मता दुर्गम्या दुर्मेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्भामा दुर्भादुदारिणी। नवरात्रि में जो मनुष्य इन दुर्गा जी के 32 नाम का अनुष्ठान करता है, अनुष्ठान कैसे करें यह हम पहले बता चुके हैं, विधि विधान से करें, अनुष्ठान करता है, उसके जितने भी जीवन के रोड़े अटकाने वाले काम हैं, दुर्गम कार्य हैं, वह सब बहुत सरल तरीके से हो जाएंगे। इसका अनुष्ठान करें और सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।